इसका मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस होगा v की वैल्यू है जीरो पॉइंट थ्री होल स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा हमारे पास टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये तो हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू अब यहां पर जो फोर्सेस लगेंगे एक होगा टेंशन टी और एक होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ यहां जो फोर्सेस लगेंगे ये होगा टेंशन टी डैश यहां टेंशन टी डैश और यहां भी टेंशन टी डैश तो यहां हम देख सकते हैं अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है यानी ये एक्सेलरेशन ए है ये तो हो गया जीरो तो इसका एक्सेलरेशन होगा ए डैश

तो yani so, अगर हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स तो टी माइनस फोर्टी म्यूज इक्वल जीरो पॉइंट थ्री सिक्स दिस इज आर फर्स्ट एक्सप्रेशन यहां हम देखेंगे ये टी है यानी ये है टी, यहां पर टी होगा यहां टी होगा ये टी डैश है तो टी डैश की वैल्यू टू के बराबर होगी तो इसकी एक्सप्रेशन बनेगी यानी एक तो डाउनवर्ड फोर्स एम लगेगा यानी 10 न्यूटन और एक टेंशन टी डैश तो 10 माइनस टू टी इज इक्वल टू वन ए तो वन ए इज कितना है जीरो, जीरो हमारा एक्सेलरेशन आ गया यानी टू टी इज इक्वल टू टेन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव और टेंशन की वैल्यू हमारी कैलकुलेट आगे हो गई दट इजन माइनस जीरो वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन वन में हमें मिलेगा फोर पॉइंट नाइन नाइन सेवन फाइव ये वैल्यू है दिस वैल्यू इज सब्सटीट्यूटेड हेयर इन इक्वेशन वन ये हो जाएगी फोर पॉइंट नाइन नाइन सेवन फाइव माइनस फोर्टी म्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर्टी म्यू इज इक्वल टू फोर पॉइंट नाइन नाइन सेवन फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स यानी म्यू की वैल्यू हो जाएगी फोर पॉइंट नाइन नाइन सेवन फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई फोर्टी ये सॉल्व होकर हो पाएगा जीरो पॉइंट वन वन फाइव नाइन विच इज रफली जीरो पॉइंट वन टू आंसर हो जाएगा वन आई होप दिस सॉल्यूशन थैंक यू